सोहन जी म्यूजिक टीम द साइड। तो जैसा कि आपको पता ही है कि स्टील बैंगल्स ने अपने पिछले लाइव शो में जो अक्टूबर में हुआ था उसमें ये बताया था कि नवंबर मंथ में माय नेम गाना रिलीज हो जाएगा, लेकिन फिर तुम्हें स्टील का सीन पता ही है, भूल जाता है या फिर पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, फिर नवंबर में भी गाना रिलीज नहीं हुआ और उसके बाद अब जनवरी भी खत्म होने वाली है। वैसे भी स्टील की खुद की एल्बम डिले हो रही है 2 साल से, तो और चीज़ों की तो क्या ही उम्मीद करें। लेकिन अब अगेन सिद्धू भाई के गाने के रिलीज होने की पॉसिबिलिटी सामने आ रही है, जो कि अभी आगे बताता हूं तुम्हें। तो बिना वक्त गवाए आपको बताऊं तो 3-4 दिन पहले अपने शो में जिसमें कि सिद्धू भाई वाली प्रिंटेड हुडी पहनी थी स्टील ने, उसमें उन्होंने अनाउंस किया कि सिद्धू के लिए ट्रिब्यूट ट्रैक जिसमें बर्ना बॉय की फीचरिंग है वो अगले 2 हफ्तों में यानी कि 2 वीक्स में रिलीज कर दिया जाएगा। सो पहले तुम उस लाइव शो की वो क्लिप देख लो, फिर तुम्हारा ये ट्रिब्यूट ट्रैक का कंफ्यूजन दूर करता हूं। स्पेशल ट्रिब्यूट सॉन्ग कमिंग फॉर सिद्धू मूसेवाला। And it features Burna Boy. That's confirmed, that's coming out in 2 weeks, right? That's confirmed, that's coming out in 2 weeks, right? Now I want you all to have a good fucking time. Just turn up, baby. तो जैसा कि तुमने देख ही लिया, स्टील बैंगल्स ने बोला है कि अगले 2 हफ्तों में सिद्धू भाई के लिए ट्रिब्यूट ट्रैक बर्ना बॉय की फीचरिंग के साथ रिलीज कर दिया जाएगा। तो मेरे हिसाब में यहाँ ट्रिब्यूट से जो मतलब है वो ये है कि सो जब स्टील ने ये गीत अनाउंस किया था तो उन्होंने लिखा था कि मेरा ना माई नेम टाइटल के साथ में जो गाना तुमने शुरू किया था, यानी कि सिद्धू भाई ने शुरू किया था, अब उसे मैंने और बर्ना बॉय ने कंप्लीट कर दिया, यानी कि स्टील बैंगल्स और बर्ना बॉय ने कंप्लीट कर दिया है। सो शायद ऐसा हो सकता है कि अभी जो लाइव शो में स्टील बैंगल्स ने ट्रिब्यूट ट्रैक की बात की हो, शायद वो इसीलिए की हो क्योंकि स्टील और बर्ना बॉय उनकी अपनी तरफ से ट्रिब्यूट देना चाहते हो सिद्धू के गाने को कंप्लीट करके। बाकी स्टील ने कुछ दिन पहले एक पोस्ट भी शेयर की थी इंस्टा पे जिसमें कि उन्होंने इस गाने को रिलीज करने के लिए 1 मिलियन कमेंट मांगे थे, लेकिन बाद में उन्होंने ये पोस्ट डिलीट कर दी थी। सो अगर इस गाने में सिद्धू भाई के वोकल्स नहीं होते तो फिर इतना बड़ा 1 मिलियन कमेंट्स का टारगेट रखने का कोई सेंस नहीं बनता था। बाकी 2 वीक की बोली है स्टील ने, लेकिन क्या पता दोबारा डिले कर दे तो वो, बाकी देखते हैं क्या होता है। अगर गाना रिलीज होना हुआ तो मैं तुम्हें बता दूंगा, और तुम अगर इतना लास्ट तक देख रहे हो तो कमेंट में सिद्धू ब्रांड ज़रूर लिख देना जिससे मुझे पता चल सके तुम इतना लास्ट तक देखते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना।